नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सीएम योगी का उन्नाव दौरा, राजा राव राम बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण, 804 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उन्नाव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्नाव में राजा राव राम बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही 804 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही बैंसवारा कल्याण समिति की पत्रिका का विमोचन भी किया। अंडर 19 क्रिकेटर अर्चना देवी का सम्मान किया, घर की चाबी सौंपी, दो बच्चे अर्पित और अनाया का अन्नप्राशन किया। दोनों बच्चों की माताओं से बात की और बच्चों को दुलार किया। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सम्मान दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट में उन्नाव के लिए बहुत संभावनाएं हैं। उन्नाव को सुप्रसिद्ध संतों ने कर्मभूमि बनाकर तपोभूमि बनाया है। मैं उन्नाव के साहित्यकारों को नमन करता हूं। काकोरी कांड के महानायक चंद्रशेखर आजाद की धरती भी उन्नाव है। महिलाओं का आरक्षण नारी गरिमा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन भी भारत की शानदार यात्रा का प्रमाण है। भारत के सामने पाकिस्तान की खराब स्थिति उसकी सोच का परिणाम है। राजनीति में महिलाओं का आरक्षण भाजपा की नारी गरिमा के सम्मान का परिचायक है। कोरोना के समय 80 करोड़ की फ्री राशन और 120 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम भाजपा ने किया है। षड्यंत्र कराने वालों से सावधान रहने की जरूरत भारत के वैज्ञानिकों ने भी विश्व पटल पर अपना लोहा मनवाया है। कुछ लोग जनता को गुमराह कर इस प्रगति को रोकना चाहते हैं। जब भारत संकट के दौर में था तब भी कुछ लोग भड़काने का कार्य कर रहे थे। विदेशी झूठन पर पलक कर भारत में रहकर षड्यंत्र कराने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। सीएम के भाषण के मुख्य अंश, एशियन गेम्स में भारत की सेंचुरी लगी है। इस बार 103 से अधिक मेडल भारत ने जीते हैं। कोरोना महामारी में हमने बड़ी लड़ाई लड़ी, फ्री में राशन वैक्सीन दी गई। एक नई फिल्म आई है वैक्सीन वॉर फिल्म जरूर देखें। षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब करना होगा। फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की ताकत को दिखाया है। सभी से वैक्सीन वॉर फिल्म देखने की अपील की। भारत के कैप्टन के तौर पर पीएम मोदी ने देश को कोविड महामारी से बचाया है। पाकिस्तान 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, ये पाकिस्तान की त्रासदी है। महिलाओं को 33% आरक्षण भी मोदी सरकार ने दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।